तो सबसे पहले मैं आपको टाइम बताता हूँ, जो कि हो चुका है 5:30, और इतने बजे मैं सिर्फ 2 टाइम उठता हूँ, या तो मुझे जॉगिंग करने जाना हो या मुझे कहीं घूमने जाना हो, और इन दोनों चीज़ों में सिर्फ एक ही चीज़ कॉमन है, जो कि घूमना। तो यस, हम 5 जा रहे हैं घूमने, और पहले तो एक्चुअली प्लान था मनाली जाने का, बट देन वी डिसाइडेड टू गो समवेयर एल्स, और वो समवेयर एल्स है पालमपुर। इट इज़ ऑलमोस्ट 6 hours ट्रिप फ्रॉम चंडीगढ़ टू पालमपुर एंड 270 kilometers अकॉर्डिंग टू गूगल बाबा मैप। तो व्हाट्स अप एवरीवन, दिस इज मनीष एंड वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग, एंड होप यू डूइंग परफेक्टली फाइन। तो जैसे ये सुबह नहीं आई है, उसी तरह मैंने एक चीज़ मंगवाई है अमेज़ॉन से, उससे भी मैं आपको रूबरू कराऊंगा। 1900 रुपये की है, अच्छी चीज़ है, सेफ चीज़ है, सिक्योरिटी पर्पज़ से बहुत अच्छी चीज़ है। तो इस वीडियो को एंड तक देखना ताकि आपको पता लगे वो चीज़ नई क्या है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे वाली वीडियोस बहुत अच्छी वाली होने वाली है, बहुत मस्त होने वाली है, ऑसम होने वाला है। टाइम हो चुका है 8:45, और हम अभी ऊना से आगे एक ढाबा है, हिल व्यू ढाबा, उसके पास रुके हैं। रास्ता बहुत ख़राब है, रास्ता मतलब बहुत पत्थर गिरे हुए हैं, बहुत ज़्यादा पत्थर गिरे हुए, क्योंकि हिल साइड है तो पहाड़ से बहुत सारा लैंडस्लाइड हो रखी है। सेफ भी अगर आप प्रॉपरली ड्राइव करोगे, लेकिन मैं सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप इस टाइम पर आओ। मैं आ चुका हूँ, मुझे अभी पता नहीं पालमपुर कैसा रास्ता रहेगा, वहाँ पे बारिश कितनी है, वेदर फोरकास्ट में वैसे हमने चेक किया था तो एक हफ्ता लगातार बारिश थी। पता नहीं हमारे जाने के बाद कितनी बारिश होएगी, क्योंकि रास्ते में बारिश हो रही है, रुक रही है, हो रही है, रुक रही है, हो रही है, रुक रही है, कुछ एक मिनट होती है बारिश, फिर दूसरे मिनट रुक जाती है, तो काफ़ी डाइसिस है। और अब अगर हम ऊपर से देखें तो क्लाउड्स चेक करो, क्लाउड्स भरे पड़े हैं, काले हो रखे हैं, और नीचे क्लाउड्स हैं थोड़े। मैं ट्राई करूंगा कि आपको टाइम लैप्स दिखाने की कोशिश करूंगा अगर हम खाना खाने लगेंगे तो। यहाँ पे ब्रेकफास्ट अभी हम करेंगे, और हमने नियरली 166 किलोमीटर्स कंप्लीट कर लिए हैं, 100 किलोमीटर्स रहते हैं और 8:45 हो चुके हैं। कोस्ट प्रोबेबली हम 10:30 या 11 बजे तक अराउंड पहुँच जाएंगे। ट्रैफिक बिल्कुल भी नहीं है, आराम से गाड़ी चला रहे हैं, बस प्रॉब्लम जो हमें मेन आ रही है वो आ रही है वेदर की वजह से, जो बारिश लगातार बारिश चली जा रही है। सो फार सो गुड है अभी, और यू वॉन्ट बिलीव कि हमारा ट्रिप इतनी जल्दी बना, इतना ज़्यादा ट्रिप जल्दी बन गया कि हमें एक्सपेक्टेड नहीं था। यहाँ पे आने का सिर्फ हमारा, मेरा और नेहा का प्लान था। हमने घर में जस्ट बताया कि हम पालमपुर जा रहे हैं, तो एकदम से मम्मी कहते हैं हम भी चलते हैं। हमने बोला ओके। डोगो को क्रच छोड़ना था, तो उसके ओनर को फ़ोन किया कि हमें यहाँ से डोगो को हमने जाना है 3 दिन के लिए, तो डोगो को आके ले जाओ। वो शाम को आया, ले गया, और हम नेक्स्ट मॉर्निंग 5:30 बजे निकल गए। तो नियरली 6 hours के बीच में सारा प्लान बना और हम निकल पड़े, सब कपड़े ले लिए। हाँ, एक और चीज़, अगर आप कभी भी ट्रिप पे जा रहे हो तो कुछ बेसिक नेसेसिटीज़ होती हैं जो आपको लेनी ही चाहिए, जैसे मेडिसन्स, गर्म पट्टी, वॉयलिनी, जो आपके जॉइंट्स में अगर पेन हो कभी तो वो आपकी हेल्प करें। वो लेनी इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आप जब नई प्लेस को विज़िट करते हो तो आपको नहीं पता कि वहाँ पे केमिस्ट कैसा होगा, कहाँ होगा, और कौन सी दवाई आपको सजेस्ट करेगा, वो आपको बाद में सूट करेगी नहीं करेगी वो आपको कुछ आइडिया नहीं है। तो ट्राई कि आप घर से ही वो सारी दवाइयाँ जो भी होंगी वो उस घर से ही ले जाएं, ताकि आपको वहाँ पे जाके कोई प्रॉब्लम ना हो। गर्म पट्टी इसलिए क्योंकि कभी भी आपका पैर या आपके साथ जो आपके पेरेंट्स आ रहे हैं, ग्रैंड पेरेंट्स आ रहे हैं, उनका अगर लेग ट्विस्ट हो जाता है।
तो एटलीस्ट गर्म पट्टी थोड़ा सा उसको हील करने में हेल्प करेगी। और लाना भूल ही गए ये दोनों। क्या ऑर्डर कर रहे हो? अभी तो मैं वॉशरूम जाने की वेट कर रही हूँ। क्यों, रश है? हम बेसिकली रुके वॉशरूम के लिए, और मुझे तो नहीं जाना, मुझे कॉफ़ी पीनी है बहुत, और मुझे खाना भी खाना है। मैंने कॉफ़ी एक्सपेक्ट की थी कि मैं यहाँ की कॉफ़ी पीऊँगा, लेकिन इन्होंने घर से ही कोल्ड कॉफ़ी पैक करके लेके आए हुए हैं। वी आर इन अ होटल नाउ एंड इट्स 12:22। एक्सपेक्टेड टाइम जो था वो 11:30 का था, बट रास्ते में एकदम से पता नहीं कैसे लेकिन ट्रैफिक, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आ गया। जो हमें रास्ता गूगल मैप ने बताया वो पालमपुर की इनर रोड्स के से थ्रू उन्होंने उसमें बताया, जहाँ पे रोड तो छोटी थी लेकिन रास्ता बहुत अच्छा था। और आप मेरे बैक साइड पे देख रहे हो व्यू, अभी थोड़ा गर्मी सा है तो अभी हमने जस्ट 1-2 घंटे हमने रेस्ट करेंगे रूम पे, उसके बाद हम बाहर निकलेंगे और थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे पालमपुर को। और ये जो होटल है, हमें नहीं पता था ये होटल कहाँ पे एग्जैक्टली, क्योंकि हमने सर्च किया था पालमपुर और जिस रोड से गूगल हमें लेके आया क्या कर रही है जिस रास्ते से गूगल हमें लेके आया, जस्ट एकदम से मेरी राइट साइड नज़र पड़ी तो राइट साइड होटल था, और मैंने 2-1 मिनट सोचा कि यार यही होटल है, इतनी जल्दी होटल आ भी गया। तो किसी को शॉर्टी नहीं थी क्योंकि किसी ने होटल बुक नहीं कराया था, होटल बुक मैंने कराया था, तो मुझे थोड़ा सा था कि यही है। मैंने एकदम से मेल चेक करी, उसमें फ़ोटो थी, मैंने नेहा को बताया कि यही है ना, तो इसकी थोड़ी सी हाँ निकली। अब भाई पार्क करते हैं फिर देखते हैं यही है कि नहीं। मैं अंदर जाके रिसेप्शन में बात करी कि अभिमन्यू के नाम से बुकिंग थी तो यही है, तो तब तक ये सारे तीनों चारों बाहर खड़े हुए थे। और फिर ये अंदर आए तो मतलब हाँ यही है, आ जाओ टेंशन नहीं है। एक तरफ से आया गैस, मैं उस तरफ से आया था, लॉक होगा ना अंदर से, बाहर से भी खोल लूँगा। तो अभी हम थोड़ा रेस्ट करेंगे यहाँ पे, एक जादू देखें, चलो देखते हैं। ये पूरा जहाँ तक आप देख रहे हो सारा ट्री प्लांटेशन है, और हमारे होटल से जस्ट 5 मिनट्स की वॉक पे है। प्रॉब्लम है यहाँ पे ना, एक प्लांट है जो मेरे को यहाँ काट गया और ये पूरा रेड हो गया, बिच्छू प्लांट कहते हैं उसको। अब वो मुझे अगर दोबारा दिखा तो मैं आपको एक बार दिखाऊंगा, तो उसे बच के रहना, अगर वो लग गया तो अभी तक खारिश हो रही है मेरे को उसमें। और कुछ बोल रहे हैं ये कि पालक का पेड़ होता है वो ठीक हो जाता है उससे कुछ करके। और ये है ट्री प्लांटेशन सारा, हम टी गार्डन के बीच में से आए, और इन दोनों ने वो क्या पहना था, वो जिससे जो टी जिससे प्लग करते हैं ना, वो पूरा पीछे बैग पे डाल के टोकरी और उससे प्लग करा। वील शो यू दी फोटोग्राफ्स, जो बास्केट होती है बेसिकली, तो जो प्लग करते हैं जो इस लीव्स को वो अपने बैग पे लगाते हैं बास्केट्स, और प्लग करके सीधा उसमें पीछे फेंकते हैं। तो वो पूरी हैवी थी, फुल थी, तो उन्होंने बोला कि आप नहीं उठा पाओगे, मैं खाली करके देती हूँ। 2-2 घंटे की दिहाड़ी पे वो काम दे वर्क, या दे वर्क, तो और हमने 1 मिनट की दिहाड़ी उसमें से ले ली उनकी।
उसमें से फोटोज़ क्लिक करी इन्होंने। तो अगर आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो नहीं कर रहे हो तो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करो, मैं दोनों में से किसी की या दोनों की एक फ़ोटो अपलोड करूँगा वहाँ पे। तो आपको देखने को मिलेगा कि इन्होंने कैसे वहाँ काम किया या कैसी फ़ोटोज़ आई थी। अभी गाड़ी हमारी दूर खड़ी है तो हम वहाँ पैदल वॉक करके जाएंगे। उसके बाद हमने अभी खाना खाना है, लंच भी नहीं किया अभी तक, और अभी मेरे से 4 बज चुके हैं। फिर हम लंच करेंगे, लंच करने के बाद हमने चर्च में जाना है। चर्च में भी आपको अभी शो करेंगे, अभी रास्ते में भी था वैसे चर्च, लेकिन हमने सोचा पहले हम टी गार्डन जाएं, उसके बाद हम उस पर जाएंगे, चर्च जाएंगे। तो मोस्ट प्रोबेबली आज ज़्यादा है नहीं रूटीन, क्योंकि ट्रैवलिंग बहुत ही थके पड़े हैं। तो प्लान समथिंग आउट कि अब क्या करना है। तो गाड़ी आ गई है बिल्कुल पास में, ये वाला बिच्छू ग्रास है जो मुझे अभी काटा था। इसमें हल्की हल्की अगर आपको प्रॉपरली दिख रहा हो तो इसमें बीच में कांटे भी हैं, ये कांटे भी लगे हैं बीच में इसमें, तो वो चीज़ काटती है और 2-3 दिन तक वो रेडनेस और इचीनेस जो होती है वो फील होती रहती है। गई ठंडा है वो ठंडा कितना पानी वो बन गई हॉस बन गई पहाड़ों से आया। यहाँ का पानी बहुत ठंडा है, बहुत ज्यादा ठंडा है ये, क्योंकि ये रनिंग वाटर है और ये सीधा पहाड़ों से डायरेक्ट। तो मोस्ट प्रोबेबली जो आप पानी पी रहे हो वो यहीं से पानी आ रहा है। तो हमने अभी लंच किया न्यूगल कैफ़े में, पूरा पानी भर गया गोपरों में मेरे। तो अभी हमने लंच किया न्यूगल कैफ़े में जो रुद्र होटल है उसके सामने है और हिमाचल टूरिज्म का है। हमने ऑर्डर किया था चिकन चाउमीन, दाल मखनी, शाही पनीर और रोटी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, और बिल आया 885। खाना टेस्टी था, स्टाफ बहुत पोलाइट है, अगर आप आते हैं तो एक विज़िट करना है। एंट्री फीस जो है उनकी 10 रुपये है, लेकिन यहाँ पे बच्चों के लिए अच्छा है, यहाँ पे स्विंग्स लगे हैं उनके, झूले लगे हैं, और बड़ों के लिए अच्छा है कि वो पानी में डूब सकते हैं। आ जा बहुत ठंडा पानी है, मेरा पजामा गिला नहीं होगा। बच गया। ओह माय गॉड, ओह तो पानी यहाँ बढ़ रहा है लेवल। हाँ। मेरे इतनी टांगे है ही नहीं। ओह ये हो रहा, उसमें लिखा नजर पाना चाहो। फोन कहाँ था? गुड, उसमें से फोन निकाल के दियो, ये बैग में। एक तो सुबह से इतनी बारिश हो रही थी ना, हमें एक्सपेक्ट नहीं था कि इतनी गर्मी हो जाएगी, लेकिन अब गर्मी हो चुकी है। हम ऐसी बारिश में से आए हैं, सोच भी सकते कि यहाँ पे हमें ऐसा फील हो रहा होगा। हमने बीच रास्ते में प्लान बना लिया था कि हम वापस चल जाते हैं, क्योंकि इतनी बारिश है और अगर पालमपुर में बारिश हुई तो बहुत मुश्किल हो जाएगा ट्रैवल करना या प्लेसेस विजिट करना, लेकिन अब गर्मी होगी बहुत ज्यादा। रुक जाओ, मैं बुमरैंग बना रही हूं। 1 2 3 गो। ओह ठंडा पानी। मेरे गोप्रो का कार्ड फुल हो गया, तो इसलिए मैं अब
मोबाइल फ़ोन से कर रहा हूँ, मैं अपने आप को भी देख सकता हूँ वीडियो बनाते हुए कि कैसा लग रहा है। तो मुझे इसकी स्टोरी को पूरी कंफर्म नहीं है कि वो सच है क्या झूठ है, मुझे कुछ आइडिया नहीं है और मैं कुछ झूठ आपको पोर्ट्रे नहीं करना चाहता। तो इसलिए मैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट जो होगी उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको एक बार पढ़ना, एक बार गो थ्रू करना। तो मेरे बैक साइड पे जो आप रिवर देख रहे हो वो खीर गंगा घाट है जो बैजनाथ के बिल्कुल साथ में है, जाने को हम नीचे जा सकते हैं लेकिन 350 सीढ़ियाँ हैं, उतरने में कोई प्रॉब्लम नहीं लेकिन जब चढ़ेंगे तो बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। और यहाँ पे मैं और नीचे स्नान लेने के लिए है बेसिकली, तो हमने कुछ पानी का फ्लो भी बहुत ज़्यादा है, हमने स्नान भी नहीं लेना तो कोई पॉइंट नहीं नीचे जाने का। हम दूसरे रास्ते से भी जा सकते हैं जो इस तरफ रास्ता है, यहाँ से भी गाड़ी नीचे लेके आ सकते हैं, जो हम जिस रास्ते से ऊपर आए हैं वही रास्ता है बेसिकली। लेकिन हम और लोग लेकिन एक चीज़ में समझ आती, इतनी अच्छी जगह होके लोग ऐसे काम करते हैं, क्या मिलता है लोगों को ये करके? साफ रख लो, घर में गंद पाते हो नहीं तो यहाँ आगे पाना है घर। तो मेक श्योर कि अब अगर आप कहीं भी ऐसी जगह जाते हो तो ऐसा गंद कभी ना पाओ, कहीं ना पाओ। जितनी साफ ये रिवर है उतना साफ आपका घर और आपकी सिटी होनी चाहिए। तो वी आर इन अ रूम राइट नाउ और अभी 10-12 हो चुके हैं, बहुत थक चुके हैं क्योंकि सुबह से ट्रैवल कर ही जा रहे कंटिन्यूसली। यहाँ बैजनाथ टेम्पल के बाद हम डायरेक्ट लोकल मार्केट्स में घूम रहे थे, उसके बाद हमने पापड़ी चाट, आलू टिक्की, गोलगप्पे वगैरह खाए। GoPro में मेमोरी कार्ड पूरा फुल हो गया था इसलिए मैंने व्लॉग किया नहीं उस टाइम। फिर हमने जस्ट रूम पे आए, मैंने डाटा कॉपी किया सारा, उसके बाद मैं सो गया। इतनी सी भी हालत नहीं थी कि मैं बात कर सकूँ क्योंकि मेरे को बहुत नींद आ रही थी। मैं एक्चुअली 2 दिन से नहीं सोया प्रॉपरली, जब सोया था वो तब 2-3 घंटे सोया मैक्सिमम और फिर ड्राइविंग करके थक चुका था। तो अब जस्ट हम डिनर करके रूम में आए हैं, सोने की तैयारी कर रहे हैं। और जो छोटी सी चीज़ की मैं बात कर रहा था कि मैंने मंगवाई है अमेजोन से जो सेफ है और अच्छी है, तो दिख रही है जिस चीज़ की मैं बात कर रहा था जो अमेजोन से मैंने मंगवाई है और बिल्कुल छोटी सी है, सेफ है, सिक्योरिटी है, वही ये चीज़। यस, ये लॉक और फिंगरप्रिंट स्कैनर है इसमें, आप जस्ट टच करेंगे और ये ओपन हो जाएगा। सिर्फ 0.3 सेकेंड इसको चाहिए अनलॉक होने के लिए। एक ऑथोराइज्ड फिंगर इसके साथ अटैच होगी, प्लस आप 9 और ऐड कर सकते हो इसका फिंगर्स, आपको जस्ट 1 टच करना है और ये ओपन हो जाएगा। तो जस्ट 1900 का मेरे लिए बहुत बेनिफिशियल है क्योंकि माइंड में कि मेरे लिए बहुत बेनिफिशियल है क्योंकि मैं लैपटॉप बैग कैरी करता हूँ, कैमरा बैग कैरी करता हूँ, तो कहीं ना कहीं सिक्योरिटी में 1-2% ऐड हो जाता है इसको कैरी करना। जस्ट आपको फिंगरप्रिंट करना है और ये ओपन हो जाएगा। मैं नीचे लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आपको बाय करना हो तो आप डायरेक्ट बाय कर सकते हो उसे। तो आई होप आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी हो, अगर लगी है तो प्लीज़ लाइक करना वीडियो को, सब्सक्राइब करना चैनल को और हो सके तो शेयर करना। कल की भी वीडियो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर।